तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग एक छोटी सी राइड मार के आते हैं मार्शेस के लिए। गाइस सामने जो वाटरफॉल नज़र आ रहा है, एज यू कैन सी ये वाला, तो गाइस ये है कालू वाटरफॉल, जो मार्शेस घाट का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। गाइस पिछले दो दिनों से मैं और सागर गांव में हूँ, क्योंकि एक फैमिली फंक्शन था, हम दोनों कल्याण से आए थे। तो आज हम लोग कल्याण जाने वाले थे, हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक छोटी सी राइड मार के आते हैं मार्शेस के लिए। पर फिलहाल तो अभी हमारे पास ना एमटी यानी कि सागर की बाइक भी नहीं अपने पास, तो लाल परी को हमने उठा लिया। तो ये है सीबी यूनिकॉर्न। कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं था या कुछ ऐसा फैंसी वगैरह ब्लॉग कुछ होने वाला नहीं, शॉर्ट सिंपल सी राइड है। इसने कल डायलॉग में मार ही दिया कि चल जाते और मार्शेस की चाय पी कर आते, तो मैंने कहा चलो जाते। अभी टाइम हो रहा है 10, परफेक्ट 10 हो रहा है अभी। तो एज यू कैन सी ज़्यादा धूप भी नहीं है, मॉर्निंग के वाइब्स एकदम चिल्ड वाले वाइब्स है। जल्दी निकलते हैं क्योंकि दोपहर में हमें रिटर्न भी आना है और घर पर भी जाना है। ऑलमोस्ट आ चुके हैं घाट में और ये अपना पसंदीदा स्पॉट है। यहाँ पर तुमने ले लिए बाइक के साथ, क्योंकि करना पड़ता है एज अ यूट्यूबर, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ तक की राइड एकदम स्मूथ हो गई और जो वेदर हुआ है आपको तो दिख रहा होगा, एज यू कैन सी पीछे क्लाउड्स वगैरह सब कुछ ऐसा एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों मैं इतेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओबो पर। तो गाइज आई होप इस वेदर के आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। देखो बात इंपॉर्टेंट है, इनको जाने दो। एक घंटे की राइड की हम दोनों ने, मैंने और सागर ने, और पिछले एक घंटे में गिनकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार हम दोनों ने एक दूसरे से बात की होगी। वरना सागर उसकी राइड एज अ पीछे पिलियनियर बैठकर मैं सब कुछ एंजॉय कर रहा था, तो ज़्यादा हम लोग ने बात नहीं की। क्या बोलो अब, पीछे का ये वेदर देख लो आप और उसी से आप भी समझ जाओ हम लोग क्या फील कर रहे हैं। चलो अभी निकलते हैं, सही वेदर हुआ है, बस बारिश ना आ जाए ऐसा ही वेदर बना रहे। गाइस सामने जो वाटरफॉल नज़र आ रहा है, एज यू कैन सी ये वाला, तो गाइज ये है कालू वाटरफॉल, जो मार्शेस घाट का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। अभी ब्लॉग अपने चैनल पर है, जाकर देख लो, आई बटन में यहाँ पर कहीं लिंक आ जाएगा। मार्शेस घाट में जितने भी प्यारे प्यारे स्पॉट्स है बहुत सारे हम लोग ने कवर कर लिए, और जितने बाकी है उतने भी हम लोग कवर कर लेंगे, डोंट वरी। हम लोग है आपको मार्शेस घाट की खूबसूरती दिखाने के लिए हम लोग है। डेस्टिनेशन तक आ चुके चाय पीने के लिए, इतनी दूर। बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं और बड़े लोग कैमरे के पीछे होते हैं। दिखाओ जरा चेहरा आप दिखाइए ये देखिए बड़े गाइज, हमारा जो चश्मा था पिछले व्लॉग में, पिछले नहीं दो व्लॉग पीछे जब हम लोग मार्शेस में आए थे तभी हमने पानी में बह डाला उसे। अरे और... टेंशन नहीं है उस चीज का, हमें बह गए तो और हमें पता ही नहीं, हमारा चश्मा जो है घूम चुका है, खामियाजा हम भुगत रहे, आंखों में पूरा धूल मिट्टी, बाकी सब बढ़िया है, बस ये धूल मिट्टी आंखों में जाती है उससे तकलीफ होती है। चलो अभी चाय पीते जिसके लिए इतनी दूर आए। मिर्ची एक नंबर है, इसे कहते हैं लाल ठेचा, ये इसे ज्यादा पसंद है, मैं ज्यादा खाता नहीं पर इसे पसंद है। इसी लोगों के लिए ना बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ है। और चाय भी आ रही है, गाइस आज हमारी राइड सक्सेस हुई है इस लाल परी की वजह से, तो थैंक यू, मजा आया। कैसा लगा सागर चला, क्योंकि सागर ही चला रहा है, इस पे अलग मजा है, सब पे अलग अलग मजा रहता है, अपना अपना मजा रहता है। पंटी के बाद इस पे मजा आया,
सही है गाइस, बहुत चला है हमने इस गाड़ी को, जितना मामा ने चला था उतना हम इसे चलाते अच्छी खासी पावर है। अभी हम लोग तो एंजॉय करके आए तो हम लोग को पावर ठीक लगे, 60-70 के स्पीड पे है। अगर स्पीड चाहिए तो आपको थोड़ी निराश कर सकती है, बाकी बढ़िया है। तो गाइस आपके पास अगर कोई एक चीज हो, कुछ भी हो, या एक लोकेशन हो, उस लोकेशन पे आप कितनी बार जाओगे? एक बार, दो बार, बाद में वो आपको बोर लगने लगती है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, मार्शल्स में हम लोग जब भी आते पता नहीं क्यों ये लोकेशन हमें एकदम ऐसा एक्साइटेड कर देती है। तो बस 2 मिनट के लिए रुके, तो 2 मिनट की अभी 10 मिनट होंगे क्योंकि सागर ने वहाँ पर भुट्टे के ऑर्डर दे दिए, तो एक भुट्टा खाएंगे क्योंकि अभी पेट भर गया है। वड़ा पाव, 2 वड़ा पाव खा लिए और पहले आते वक्त भी नाश्ता किया था, तो अभी जगह नहीं है लोकेशन को एंजॉय करने के लिए। एक भुट्टा बोला है और ये सामने का ये व्यू पता है मैंने आपको बहुत बार दिखाया, पर अभी ये भी देख लो, बारिश के वक्त का लेटेस्ट अपडेट है जो काम है हमारे कंधों पर है और हमें ये करना पड़ेगा। आज क्या रहा है सच्ची बात, कोई आपको बार बार नहीं दिखा, हम दिखाएंगे, जानकारी हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे हर सीजन में, हर 1 महीने बाद या हर 2 महीने बाद हम ही आपको दिखाएंगे। सो गाइस भुट्टा आ चुका है, वहाँ पर क्यों गया पता है? रील शूट करने के लिए। मैंने पीछे बाइक जो है रुका दी है, उसका पर्पज यही है, हमारे एक पार्टनर को हमें कुछ तो दिखाना है। राहुल का वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए कुछ तो है। तो राहुल काका ये रहा मोरोशी का भैरवगढ़, और जब हम लोग पिछली बार आए थे तभी अपने को इस दीवार पर, ये सामने वाली छोटी सी दीवार पर कुछ तो नज़र आ रहा था जो अभी नहीं है। बस इतना ही आपको बताना था, अब ये बात वो लोग समझ जाएंगे जो हमारी वीडियो पहले से देखते, और जो नए आए उनको अगर जानना है तो आई बटन पे कहीं पे लिंक आ जाएगा वीडियो का, वो देख लो, उसके बाद आपको सब कुछ समझ आएगा। तो जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, जब भी होगा धमाकेदार होगा होगा पर जरूर होगा। तो बस गाइस उतनी सी बात के लिए हमने बाइक को यहाँ खड़ी कर दी, तो अभी सीधा हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे ना, अभी कहीं स्टॉप वगैरह नहीं लेंगे, सीधा अभी घर पर जाएंगे क्योंकि मामा की बाइक भी देनी है और हमें कल्याण के लिए भी निकलना है। डन विथ वर्कआउट, 4 दिनों का गैप था, अच्छा खासा हुआ, इतना भी मज़ा नहीं आया पर ठीक ठाक था। सुबह के जो आपने मार्शल्स के बीरोल्स देखे और अभी जो मेरे वर्कआउट के बीरोल्स देखे वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया होगा। उसका रीज़न था मार्शल्स के जो बीरोल्स थे वो मैंने iPhone 12 Pro Max में शूट किए थे, और अभी जो वर्कआउट वाले थे वो मेरे फ़ोन में शूट किए थे M30S में, उस वजह से वो डिफरेंस नज़र आ रहा था। आपको जो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ उसमें मुझे पता है बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो इम्प्रूव करके आपको एक स्टेबल क्वालिटी वाले वीडियोस देने होगा। और इस फ़ोन में ना गाइस मुझे स्टेबल शूट करने होता नहीं, तो उस वजह से अभी हर्षल को मैंने कैमरा हैंडल करने के लिए दिया था, और वर्कआउट करने के बाद इसे मूड हुआ थोड़ा बाहर गेड़ी मार के आते, तो हम लोग बाहर आ गए। I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man's on the round like the hate and the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back.